पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राज्य में चुनावी तपिश भी बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के प्रमुख सहयोगी और रिटायर्ड डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कथित तौर पर अभद्र भाषा पर बयानबाजी की है, जिसके बाद चुनावी ठंड के मौसम में भी चुनावी गर्माहट बढ़ती दिख रही है। पूर्व डीजीपी के वीडियो ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को बेहद शर्मनाक स्थिति में डाल दिया। कथित वीडियो में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी पत्नी और मेलक्रोट्रा से कांग्रेस के उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री रज़िया सुल्ताना के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और अपने भाषण में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा 20 जनवरी को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उनके कार्यक्रम के पास किसी और के कार्यक्रम को अनुमति दी गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल मुस्तफ़ा जहां भाषण दे रहे थे वहीं एक दूसरी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम था और उसमें लोगों की भीड़ देखकर मुस्तफ़ा आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इनको कोई जलसा नहीं होने दूंगा, मैं एक कौमी सिपाही हूं, मैं RSS का एजेंट नहीं हूं जो डर के घर में घुस जाऊंगा। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।